एजुकेशन के मामले में भारत एक गौरवशाली अतीत वाला देश है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालय राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और गणित आदि क्षेत्रों में कभी भारत सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि ज़्यादातर इंडियन ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। लेकिन क्यों, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार क्यों? क्या आज हमारे भारत के युवा पढ़ते ही नहीं हैं या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ ग्रीवा। नई रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है। तो युवाओं की नाराजगी होती है और सब सड़कों पर उतर आते हैं। इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है कि क्या हर अच्छा बैट्समैन अच्छा बॉलर और अच्छा फील्डर हो सकता है, या एक अच्छा फील्डर अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ के बारे में सेम नॉलेज हो ऐसा तो शायद नामुमकिन ही है। पर हमारे यहाँ हर बच्चे को सेम पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट में वो आगे होना चाहिए, और अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपको तो पता ही है कि आपको एकदम से फेल कर दिया जाता है। और फेल होने के बाद उस स्टूडेंट की मेंटल कंडीशन क्या होती है और उस वजह से उसकी लाइफ का क्या होता है, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही एजुकेशन सिस्टम यही था, बल्कि आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत के टाइम पे पांचों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को उनकी योग्यता के हिसाब से शिक्षा दी और पांचों पांडव अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट थे। अर्जुन को तीर कमान की, नकुल और सहदेव को तलवार की, भीम को गदा की और युधिष्ठिर को भाला की शिक्षा दी। अब जरा सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को सारी शिक्षा दी होती तो क्या वो सब हर चीज़ में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते? जवाब होगा किसी में भी नहीं कर पाते। और यही हो रहा है आज के स्टूडेंट्स के साथ। हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होने के चक्कर में जो सब्जेक्ट सच में परफेक्ट होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। ये शिक्षा प्रणाली स्टूडेंट को उन विषयों को पढ़ने और उनमें अच्छे मार्क लाने के लिए मजबूर करती है जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता या वो उन्हें समझ ही नहीं पाते। और इतना ही नहीं, भारतीय शिक्षा नीति एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के हिसाब से इंटेलिजेंट मानती है, ना कि उसके स्किल्स देखकर। आजकल का एजुकेशन नॉलेज पर नहीं बल्कि रटने और बिल्कुल वैसा ही लिख देने पर आधारित है, रट कर मार्क लाने पर है, और इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। अच्छा मार्क लाने के चक्कर में स्टूडेंट्स किसी भी विषय को समझने से ज़्यादा रटने पर विश्वास रखते हैं और चीज़ों को याद कर लेते हैं, जो कि कुछ टाइम तक तो उनके दिमाग में वैसा का वैसा ही रहता है, शायद जब तक वो एग्ज़ाम नहीं दे देते। लेकिन 100% कन्फर्म है कि वही चीज़ एक एग्ज़ाम के बाद पूरी तरह से वो भूल जाते हैं। आप सब ने मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, चाहे मन से या मजबूरी से। आपको वो बीज गणित याद है जिसे सॉल्व करने में आप ना जाने कितना परेशान होते होंगे। लेकिन क्या कभी लाइफ में बीज गणित के वो फार्मूलाज आपके काम आए? हम सबको ये पता होता है कि आगे जाकर इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी, फिर भी हमें वो पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिस्टम इसे इम्पोर्टेंट मानता है। सर, मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूं। भारत के ज़्यादातर कम्पिटेटिव एजुकेशन सिस्टम टॉप ग्रेड और प्रवेश परीक्षा के मार्क्स की चाहत एक हाई स्टेक्स वाले खेल के समान है, जिससे स्टूडेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मूवमेंट से गुजरते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, दबाव लगातार बढ़ता ही जाता है, जो कि हर गुजरते साल के साथ और भी गहरा होता जाता है। और इस माहौल में छात्रों को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। पिछले लगभग 8 सालों में करीब 22 करोड़ एप्लीकेशंस की गई सरकारी नौकरी के लिए हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 7,22,000 सरकारी नौकरियां ही एक्चुअली में अवेलेबल थी। और ये जो रेशियो है यहाँ पर वो 1 in 300 है, यानी कि 300 लोगों के अप्लाई करने पर सिर्फ एक को नौकरी मिल पाएगी। और जब हमें ये सब पता है तो फिर क्यों इस भीड़ में जाना? और वैसे भी देश के ज़्यादातर स्टेट्स में सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब है, बेसिक इम्यूनिटी भी वहाँ पर नहीं मिलती। कराटे किड मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कहीं पर भी कोई खराब स्टूडेंट्स नहीं होते, सिर्फ खराब टीचर्स ही होते। No such thing, bad student, only bad teacher. लेकिन पनिशमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को, स्कूल में लेट आने के लिए, स्कूल ड्रेस कंप्लीट ना होने के लिए, टाइम पे ना आने के लिए, होमवर्क ना पूरा होने के लिए, शोर मचाने के लिए, और भी कई चीज़ें हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ एक स्टूडेंट, जहाँ उसने हमेशा दूसरों के बनाए रूल्स ही फॉलो किए होते हैं, वो कभी भी खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकता।
और अगर उसने कुछ सोचा भी तो उसे खुद पे ही डाउट होता है। आधी लाइफ तो उसकी पढ़ने में ही निकल जाती है और बाकी की लाइफ ऐसे ही बीत जाती है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि स्कूल्स में स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया ही नहीं जाता और ना ही अलग अलग कैरियर ऑप्शन को ढंग से समझाया जाता है। और यही रीज़न है जो आज भारत के ज़्यादातर युवा, जिन्होंने पढ़ाई तो बहुत की है, दो चार डिग्रियाँ भी हैं उनके पास, पर फिर भी वो बेरोज़गार हैं। एंड दिस इज़ माई ओपिनियन कि स्कूल टीचर्स को चाहिए कि वो थोड़ी क्रिएटिविटी स्टिमुलेट करें और स्कूली शिक्षा में कैरियर काउंसलिंग को भी जोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट के फ्यूचर का है, उनके परिवारों का ही नहीं बल्कि हमारे देश के फ्यूचर का भी सवाल है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।